में सबसे पुराना 109 साल पुराना एक डायरी ये लाइब्रेरी है, कल्याण सार्वजनिक वाचनालय। वहां पे सवेरे कितने बजे आप थे ना वहां पर? हाँ, सवेरे 3 बजे। अपना 4 बजे से रिकॉर्ड चालू हुआ था, 3 बजे ये विटनेस सामने बैठा हुआ है। 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं लगातार कविता लिख रहा था। और कितना 207 200 207 हाँ 207 कविता लिख के। मैडम यहां पर आइए, यहां पर आइए। 207 कविता लिखकर, 207 कविता लिखकर हमने रिकॉर्ड बनाया था। बेसिकली मेरा क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैडम टीचर जो हिंदी के जानकार है, हिंदी के ये लोग शहंशाह है, सिंपल है। अभी आपने कोई कविता बनाना है, एक कविता बनाना है कि कविता बनाना है। चलते चलते, हाँ चलते चलते रुकना नहीं, ये लाइन मैं दे रहा हूं। चलते चलते रुकना नहीं, मैडम इसके बाद की लाइन बताइए। आप जो मन करता बोलिए, कुछ भी बोलिए। चलते चलते रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना। हाँ हाँ एक मिनट, आप बोलिए, आपका भी नंबर आएगा। चलते 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 रुकना नहीं, चलते चलते अलविदा ना कहना, चलते चलते रुकना नहीं, कभी हमको अलविदा ना कहना। चलिए ये दूसरी लाइन हो गई, मैडम बताइए आप। चलते रुकना नहीं, हमेशा आगे बढ़ना ही है। हाँ अभी मैडम जो बता रहे, चलते चलते रुकना नहीं, जीवन में आगे बढ़ते रहना, ये लाइन को हम बाद में ले लेंगे। हाँ कभी अलविदा ना कहना, ये तो पिक्चर का नाम है। हाँ चलो ठीक है मैडम, बोलिए मैडम, कोई बात नहीं चलेगा। देखिए ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस खुद का बने। आप पढ़ाइए, SSC बोर्ड पढ़ाइए, CBSE बोर्ड पढ़ाइए, IGC पढ़ाइए, BI पढ़ाइए, IB पढ़ाइए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका भी मंजूनाथ विद्यालय का खुद का एक सिलेबस होना चाहिए, खुद का एक सिलेबस। हमारा देखिए, ये हमारा सिलेबस है, हमने खुद डिजाइन किया, हमारे टीचर लोगों ने मिलकर ये किया हुआ है। वो पढ़ाती भी है और वैल्यू एडेड, दो दो लीटर दूध के साथ वो छोटा सा माप देते ना, ये मैप है, छोटा सा मैप है, लेकिन यही लोगों को यही चीज चाहिए। यस चलते चलते नहीं अभी हो गया ना, चलते चलते रुकना नहीं, चलते चलते रुकना नहीं, आगे हमेशा आगे हमेशा बढ़ते बढ़ते रहना। हमेशा खुश और आनंदी रहना। हाँ हमेशा आनंद, आनंद के साथ। हाँ मैडम आप भी बोलिए ना, किसी के सामने झुकना नहीं, आगे हमेशा बढ़ते रहना, आनंदी और हंसमुख रहना, आनंदी और हंसते रहना, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा नजर हमारे लक्ष्य पर रखना, नजर हमेशा लक्ष्य पर रखना। यस मैम। अरे बाप रे, इधर तो आइए आइए मैडम, इधर आ जाइए, आइए मैम, आइए ना आइए। अच्छा चलिए मैं आ जाता हूँ, बोलिए बोलिए मैम। पीछे कभी मुड़ना नहीं। हाँ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। देखिए कविता ऐसी बनती है। हाँ 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 वो बना लेना शब्दों में। किसी ने लिखा क्या ये मैडम? लिखा आपने आप पेन और डायरी? सिर्फ यही मैडम है? किसी ने लिखा मैम पूरा लिखा आपने? अब इस पर कविता बना के मुझे आप मेल कर देना, मैसेज कर देना। हाँ, अभी मैं बताता हूं क्या था लाइन, क्या था अपना। चलते 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 रुकना नहीं, चल हाँ चलते चलते मेरे ये गीत ऐसा। अरे अच्छा वो अलग है, वो अलग है ना, मेरे गीत याद रख रहा हूं तो पिक्चर का। हाँ चल, आपको बस ऐसे कभी एक लाइन पकड़नी है और चालू कर देना है, चारोली मंटा तेला। बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चलते चलते रुकना नहीं, जीवन में हमेशा आगे रखना, लक्ष्य हमेशा, नजर हमेशा लक्ष्य पर रखना, हमें आनंदी आनंदी और आनंदी और हंसमुख रहना, जीवन में हमेशा आगे हाँ आगे बढ़ना, पीछे नहीं मुड़ कर देखना, हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचना। और आखिरी लाइन मैडम आपकी होगी, बोलिए ना। तूफानों से हमेशा रहो, हाँ नहीं कभी अलविदा ना कहना, सिंपल है ना। क्या है, हो गया, 4 लाइन बन गई, भेज दो ये, साहित्य पुरस्कार आपको मिल जाएगा। नहीं सही में आप ऐसे ही चाहिए उनको, कोई कॉम्प्लिकेटेड पोएम नहीं चाहिए, पोएम ऐसे ही रहता है। मैंने आपको विजय अवार्ड का बताया ना, विजय अवार्ड जो मैडम है, सुसु सुसु सुट्टी सायला लागली सुट्टी। अब ये क्या कल्पना थी उनकी, एक लाइन को उन्होंने लिया और किससे बना के लिया। इसके लिए कोई इंजीनियर डॉक्टर साहित्यकार की जरूरत नहीं है, बस आप बैठे हैं कागज और पेन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मलाला यूसुफ जिया ने कहा ना कि एक पेन एक डायरी एक टीचर और एक स्टूडेंट, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। बस आपको वही करना है मैडम, किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र किसी की जरूरत नहीं। आप लीजिए पेन, लीजिए पेन है आपके पास, देखिए पेन है डायरी है,
पेन हमारे देश में आज भी 2 रुपए का मिलता है। मैं अफ्रीका में था, 75 रुपए के नीचे पेन नहीं मिलता, यही पेन 75 रुपए का मैंने खरीदा है। और डायरी तो एकदम सबसे घटिया डायरी मैंने वहां पर देखा है। और हमारे देश में जाइए 100 रुपए में एक से एक डायरी, 50 रुपए में। मैं तो बोलता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जब लोग मुझे बुके देते हैं ना, मेरे को थोड़ा साफ बुके मत दीजिएगा, बुके के बदले डायरी दीजिएगा, मेरे को कम से कम मेरी किताब तो तैयार हो जाएगी। 19 किताब लिख चुका हूँ और 20वीं किताब रेडी हो जाएगी। एक पेन ले सकते तो पेन दीजिएगा, नहीं देना तो मत दीजिएगा। लेकिन ये सब चीज देते कि बुके तो वहीं पर रह जाता है, बुके कहाँ गया मेरा, ठीक है वो वहीं पर रह जाता है। लेकिन आप किसी को भी डायरी देते हैं तो उनके पास रहता है, उतने का ही आता है ना। बुके भी 200 रुपए का आता है, 100 रुपए का डायरी आता है। मैडम यही सब कीजिएगा। एक कहीं से कागज भी मिलता है ना, आपको पता है जेके रोलिंग का नाम सुना है आपने, जेके रोलिंग का नाम सुना है, उसकी किताब सबके पास होगी। क्या नाम, क्या नाम है, कौन है वो, हैरी पॉटर के ऑथर, रात को अंधेरे में बैठ के दिए के नीचे बैठ के वो रद्दी पर, मैडम आप तो डायरी में लिख रहे हैं, आपके पास तो डायरी है, वो रद्दी पर लिखा करते थे। न्यूज़पेपर का जो ब्लैंक पेज रहता था ना, ब्लैंक पेज, या जो पार्सल आता था तो पार्सल पर देखो तेल कट का वो रहता था अंदर, वड़ा पाव वगैरह, हाँ उसके अंदर वो मार्जिन के अंदर लिखती थी। आपका लिखना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, टाइपिंग करने के लिए दुनिया बैठी है, कॉपी करने के लिए दुनिया बैठी है, लेकिन ये कंटेंट आपके दिमाग में आना चाहिए। आपके सामने ही यहाँ पर वो, मैं जानता हूँ वो धर्माटी मैडम को, मैं जानता हूँ सामने, हमारा पूरा काम वही करती है सामने। यहाँ पे व्यूर इंप्रेशन एक कंपनी है सामने, प्रिंटिंग की कंपनी, अंदर जाएंगे ना रिलायंस मॉल के सामने, सुरभि धर्माटी ऐसा उनका सर धर्माटी उनका है सरनेम है मैडम का, तो हमारा पूरा काम वही करती है, मेरा किताब भी वही छापती है। बस बोलती है सर मुझे आप कंटेंट दीजिएगा, तो मैडम आपको कंटेंट ये करना है, और नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे ठपटापट टाइप कीजिएगा, रोज एक कविता लिखने का संकल्प कीजिएगा, 75 दिन में कितनी कविता हो जाएगी, 75 हो गया, भारत को आप दे दीजिएगा, मोदी साहब को भेज दीजिएगा, देखिए वहां से लेटर आएगा। सोचिए तो अपने स्कूल का नाम तो फेमस है, तो क्या एक बार फेमस हो गया तो चुपचाप बैठ जाने का, क्या एक बार आपने रिकॉर्ड बनाया था तो बैठ जाने का, नहीं साहब मैं रोज एक नया रिकॉर्ड बनाता हूं। अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कैप के ऊपर मैंने ड्राइंग बनाया 4 मिनट और 44 सेकंड में, सब न्यूज़पेपर में आया, सब जगह। अभी मैं कंपनी से रिकॉर्ड नहीं लेता, अब मैं लिम्का गिनीज में नहीं जाता, अब कितने बार जाऊंगा, 40 रिकॉर्ड बन चुके हैं, अब कितना रिकॉर्ड बनाऊं। तो आपको क्या करना है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, बस अपने लिए काम कीजिए। पुजारी सर नहीं देख रहे कोई बात नहीं, मैडम लोग नहीं देख रहे, स्टूडेंट नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा है, बस ऊपर वाला देख रहा है ना, उसके लिए लिखिए। करेंगे आप मैडम, आप लोग बनाइए, आप लोग हिंदी के इसी तरह से कन्नड़ के सर, आप कन्नड़ में भी बना सकते हैं सर, आप मराठी में जो है मराठी में बना सकते हैं, हिंदी में कौन आ रहा, हाँ आप भी बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया, थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए आप, इनके लिए क्लैप।